नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर से, सब्सक्राइबर से, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, 19 मई शुक्रवार के दिन है ज्येष्ठ अमावस्या। आज के दिन होती है बरगद की पूजा। जो सुहागी महिलाएं हैं, बरगद की पूजा करके अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जिनके घर में पति लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आज के दिन व्रत करें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पति के ऊपर से 7 बार वार करके बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के रखाएं। इस क्रिया को करने से बड़ा रोग भी दोस्तों दूर होगा। आज के दिन यदि घर में कोई ज्यादा टेंशन है, मुसीबत लग रही है, संकट है, घर में कलेश है, तो जो भी घर का मुखिया है वो अपने हाथ के माप का काला धागा ले ले, उसमें 8 गांठें लगा ले। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः, ओम नमो काल भैरवाय नमः, ये 2 मंत्र बोलते हुए 8 गांठें लगाएं। पूरे घर में उसको घुमा दें, हर व्यक्ति के ऊपर से उसको उबारे, हर व्यक्ति का उसमें हाथ टच करवा दें और उस काले धागे को लेकर के जाएं। जहां भी बरगद का पेड़ है वहां जाकर के उस काले धागे को बांध दें और अपने घर की सुरक्षा के लिए, परिवारजनों की सुरक्षा के लिए बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कितनी भी बड़ी तकलीफ होगी दूर हो जाएगी। आज के दिन दोस्तों, जिनके घर में छोटे बच्चे बीमार हैं या बार बार सोते में चौंक जाते हैं, जब सोने का समय होता है सोते हुए चौंकते हैं, रोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, ऐसे बच्चे के ऊपर से आज के दिन एक किसी बर्तन में थोड़ा सा दूध ले लें। कच्चा दूध लेना है, उसमें एक कोयले का टुकड़ा डाल दें और छोटी सी फिटकरी, छोटा सा चने जैसा फिटकरी का दाना दूध में डालें। बच्चे के ऊपर से 14 बार उबारें और बरगद की पेड़ की जड़ में डाल दें। बच्चा दोस्तों हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को बरगद में जल अर्पित करना चाहिए, बरगद की पूजा करनी चाहिए, घी का दिया, अगरबत्ती लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहता है, घर फलता फूलता है। छोटी सी क्रिया जरूर करें आज के दिन, आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, आज के दिन बरगद की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, जरूर करें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। जय श्री कृष्ण।